अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी स्टूडेंट जो है ना वो मुझसे पूछना चाह रहे हैं कि सर आपका आज पेपर आया नहीं आया। तो बेसिकली आज उर्दू का पेपर था। तो देखिए मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ी ख्याल अशार एक आया, खुलासा हिस्सा जीम वगैरह सब आए। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर अपडेट मैं देना चाह रहा था बस। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, माई नेम इज़ सर मोहम्मद अली। आप लोग सब कैसे हैं? हाउ आर यू एंड हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट हु आर स्टडिंग इन इंटर, बीएससी एंड बीए। यस्टरडे आई हैव अपडेटेड उर्दू पेपर ऑफ इंटर, बीएससी पेपर ऑफ फिज़िक्स एंड आईआर पेपर ऑफ बीए ऑफ पार्ट वन। अल्हम्दुलिल्लाह 100% ऑफ बीएससी पार्ट वन पेपर फ्रॉम बीएससी पार्ट वन पेपर ऑफ फिज़िक्स एंड आईआर पेपर ऑफ बीए एंड 80% पेपर ऑफ उर्दू विल बी कम वॉज कम ऑफ यानी आज पेपर में आया। अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह आई एम थैंकफुल टू माय अलमाइटी अल्लाह। ऑल माय हार्ड वर्क विल बी गुड एंड मेरी जो मेहनत थी वो रंग ले आई एंड आई एम सो थैंकफुल टू माय अलमाइटी अल्लाह के आप लोग का पेपर जो है वो बीएससी पार्ट वन फिज़िक्स का पेपर एंड मास जो बीए का आईआर का पेपर पार्ट वन का वो अल्हम्दुलिल्लाह आया। आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सो दैट यू मे गेट मोर एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग गेस्ट पेपर एनरोलमेंट डिग्री और मोटिवेशन कैरियर काउंसलिंग एक्सेट्रा। सो कहते लेट स्टार्ट वीडियो फ्रॉम फिज़िक्स पेपर। सो देखें फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि एक बॉडी ऑफ मास 7.1 kg का न्यूमेरिकल आया। कन्वर्जेंस फोर्स ऑफ पार्ट वन पेपर, सेंटर ऑफ मास, मोस्ट इंपॉर्टेंट वैक्टर, वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, ओके, कोलिजन टाइप्स, स्केल एंड वेक्टर क्वांटिटी, वर्क एनर्जी इक्वेशंस। देन वी आर मूव टू दिस ड्राइव फाइनल वेलोसिटी, इलास्टिक कोलिजन वेक्टर जो बेसिकली आया उसमें, ठीक है। सेक्शन बी वी आर स्टार्ट फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम पेपर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पेपर, एंगुलर मोमेंटम पेपर, कैलकुलेट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट पेपर, केपलर लॉ पेपर, फ्री फॉल एक्सेलरेशन। और उसमें ये पूछा था कि भाई कहते ग्रेविटेशनल फोर्स था पेपर। देन वी आर मूव टू टॉर्क पेपर, एस्केप स्पीड पेपर, ओके। देन वी आर मूव टू सबसे मेन जो क्लाइमेक्स था वो सेम जो है वो क्वेश्चन आया। बेसिकली आप क्वेश्चन पढ़ भी सकते हैं और मैच भी कर सकते हैं। आ पाइप डायामीटर 34.5 सेंटीमीटर, वाटर मूविंग 2.62 मिलीमीटर पर सेकेंड, हाउ लॉन्ग विल इट टेक डिस्चार्ज 1600 मीटर क्यूब ऑफ H2O। तो ये मैच भी कर लें सेम एज पर माई पेपर, ओके। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पेपर, डिटरमाइन मास ऑफ द अर्थ, वी आर टी जो है वो वैल्यू उन्होंने चेंज कर दी ऑलमोस्ट। मेरी जो 27.3 थी यहाँ पर 36 दे दी आर की वैल्यू और यू हैव टू फाइंड जी। पास्कल प्रिंसिपल, इनकम्प्रेसिबल ऑयल आया, ठीक है। कहते रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड इनर्शिया एंड सेटेलाइज न्यूमेरिकल। सो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा पेपर हुआ होगा। स्टूडेंट हैव टू अटैम्प ओनली 5 क्वेश्चन, 2 फ्रॉम सेक्शन ए एंड 2 फ्रॉम सेक्शन बी, दैट मीन इट 4 एंड 1 फ्रॉम सेक्शन ए, आइदर फ्रॉम सेक्शन। अगर आपको सेक्शन ए पसंद आ रहा था तो वहाँ से कर लेते सेक्शन बी। तो दोनों आसान थे, तीनों दोनों आसान थे। सेक्शन बी जो है वो उसमें मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 100% टॉपिक आया, सेक्शन ए में भी काफ़ी चीज़ें मेरी पूरी आई, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आप लोग की कोशिश की, मेहनत की, तो ये रंग लिया। ये बीएससी पार्ट वन का पेपर था फिज़िक्स। अच्छा, बीएससी पार्ट वन का मैंने ऑलरेडी मैथ एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डाल चुका हूँ। कल इंशाल्लाह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि भाई जो मेरे पेपर अपडेट किया था वही आने की के चांस हैं और उम्मीद है। तो कोशिश करें कि आप रिव्यू करेंगे तो काफ़ी आपको अच्छा लगेगा और इंशाल्लाह होगा भी।
सो वी आर नाउ मूव टू BA पार्ट वन पेपर. के कौन सा पेपर आया था, कैसे पेपर आया था. यस वी आर नाउ कम टू इंटरनेशनल रिलेशन पार्ट वन BA पेपर. ओके, तो वैसे तो मैंने ऑलरेडी पेपर अपडेट कर भी दिया था और चीज़ें बता भी दी थी. ये पेपर भी मैंने ऑलरेडी आई हैव अपडेटेड द पेपर बिफोर वन मंथ. सो कीप इन टच. और यह है कि अभी मैंने पार्ट टू का जो है रिसेंट वीडियो बनाई है वो मैं अभी अपडेट कर रहा हूँ. आप लोग से गुजारिश है कि उसको भी रिव्यू कर लीजिएगा पेपर के, अगर कोई पेपर क्वेश्चन छूट गया तो वो भी रिव्यू कर लें. तो बेसिकली इसमें देखें, इवेल्यूएशन आया क्वेश्चन नंबर टू का. क्वेश्चन नंबर टू था नेशनल पावर मेजर एलिमेंट थ्री डिफाइन IR. क्वेश्चन नंबर वन इम्पेरियलिज्म. सोशियो इकोनॉमिक. क्वेश्चन नंबर सिक्स टेररिज्म. नोट फाइव रोल ऑफ UN इन IR. नाइन इफेक्टिव रिलेशन ऑफ अमंग स्टेट. टेन और योर ट्रेड और क्लाइमेट वाई. टेन ठीक है. वी आर नाउ मूव टू आर नेक्स्ट पेज. बेसिकली इसमें कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट ऑफ नेशनलिज्म है. रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो कम फ्रॉम माई सेकेंड पार्ट ऑल्सो. दिस इज पार्ट वन. ओके सीम के मैंने काफ़ी मेहनत करके काफ़ी पेपर बनाए. सो अल्हम्दुलिल्लाह. सोशियो इकोनॉमिक कॉसेस सेवन आया. कोल्ड वर्ल्ड वार का पेपर आया. नेशनल पावर एलिमेंट पेपर आया. रोल ऑफ UN इन कश्मीर एंड फलस्तीन और इन IR डिस्कस टर्म. तो बेसिकली ये भी पेपर इम्पॉर्टेंट था, बट वो है वो पेपर जो पुराना वाला पेपर था वो बहुत इम्पॉर्टेंट. वी आर मूव टू उर्दू पेपर. उर्दू ऑल्थो इट इज़ IR पेपर बट इन उर्दू. मैंने लास्ट टाइम जब वैन आई वॉज अपडेटेड द गेस्ट पेपर ऑफ PA तो सम स्टूडेंट्स एट डेट ये भाई ओल्ड पेपर है इससे नहीं आया. बट मैंने कहा था कि इसको रिव्यू करें. इंशाल्लाह देखें, आप खुद देख सकते हैं कि पेपर आया है और पेपर आ रहे हैं. तो कोशिश करें मेरे पेपर को. एक बार फिर कहूँगा कि रिव्यू करें, लाइक करें. मुझे नहीं पता आप कहाँ से स्टडी करें, आप जहाँ से भी स्टडी करें, जो भी आपको अच्छा लगता है वो करें. बट रिव्यू माय पेपर सो डैट यू मे गेट गुड मार्क्स. बाकी आप लोग की मर्ज़ी है, आप लोग अच्छा समझते हैं, चीज़ें करते हैं, आप लोग की मर्ज़ी है. ठीक है. अब यहाँ पर आप हम देखें कि भाई जो रियासती जदीद रियासती निज़ाम पेपर जो आया उसमें क्वेश्चन नंबर टू खारजा पॉलिसी. क्वेश्चन नंबर फाइव कौमी ताकत से मुराद. क्वेश्चन नंबर थ्री बैन अलावी से क्या मुराद. अहमियत वन अकवाम मुत्तहदा का किरदार. बैन अलावी नाइन कौमी मुफाद. एट लास्ट में माहौलती तब्दीली के दरमियान. दिस इज टेन कौम परस्ती की तारीफ फवायद और नुकसान. सिक्स आलमगीर के तसव्वुर में. बेसिकली इसमें जो एक टॉपिक था वो सामरियत था, वो आप लोग मेरे न्यू पेपर में देख सकते हैं. वो मैंने अपडेट किया था इम्पेरियलिज्म. सो आपने देखा कि तकरीबन 100% माय पेपर इज़ कम फ्रॉम इन BA पार्ट वन पेपर. सो होप सो पार्ट टू में भी 100% पेपर आए. और आप लोग से फिर एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली रिव्यू माय पेपर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सो डेट यू मे सी अवर लेटेस्ट अपडेट्स. और BSc पार्ट वन के लिए भी ये दुआ है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी पेपर इंशाल्लाह मेरा पेपर रिव्यू करें और IR वाले भी रिव्यू करें ताकि आप लोग का पेपर आते रहें. ठीक है. इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप लोग को कामयाब करें, मैं इंशाल्लाह अपडेट कर रहा हूँ.